नमस्कार नमस्कार दोस्तों, आज हम चंडीगढ़ के सेक्टर 18 के ये गर्ल्स स्कूल में आए हुए थे। बच्चों के साथ सोचा आज कुछ बातचीत करते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि सनरेज के चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके ऊपर जो बेल आइकॉन बना हुआ है, अगर आप उसको टिक कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा। तो बच्चों, आप हमको अपने बारे में बताओ। बेटा, क्या नाम है आपका? मैम निशा पांडे। कहाँ से आते हो आप? मैम सेक्टर 19 पंचकुला। यस मैम। तो कैसे आते हो? मैम बाय स्कूल बस। और कितना टाइम लगता है? 50 मिनट्स। आपका क्या नाम है बेटा? मैम महक। कहाँ से आते हो? मैम नया गाँव। कैसे आते हो बेटा? मैम मेरे पापा मुझे छोड़ने आते हैं। स्कूटर पे? यस मैम। नाम बताओ बेटा। माय नेम इज हर्षिता। कहाँ रहते हो हर्षिता? हाउ डू यू कम टू स्कूल? बाय बस। कितना टाइम लगता है वहाँ से यहाँ तक? 20 to 30 मिनट्स। व्हाट इज योर नेम? कहाँ रहते हो बेटा? कैम वालों तो यहाँ से बहुत दूर है। कैसे आते हो? और भी बच्चे आते हैं आपके साथ? कितने बच्चे होते हैं? 20 बच्चे एक ऑटो में आते हैं? अच्छा, ठीक है। और कितना टाइम लगता है? 25 मिनट्स। तो आप अपनी जर्नी को एंजॉय करते हो, फ्रेंड्स के साथ बातें करते हो? Yes. मज़ा आता है। क्या नाम है आपका? नेम इज मीनाक्षी। कहाँ रहते हो आप? मैम जीरकपुर। जीरकपुर तो पंजाब में है। कितना टाइम लगता है? मैम 30 to 40 मिनट। तो आप अकेले आते हो? मैम जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे बच्चे 18 में पढ़ते हैं, वो भी आते हैं। तो आप अपने बस में डू यू सिंग सॉन्ग्स आल्सो? यस मैम। डू यू एंजॉय द जर्नी टुगेदर? अपना नाम बताओ। मैं सर स्वाति। कहाँ रहते हो स्वाति? हम सेक्टर 18 है। आप कैसे आते हो? मैम बायपुट। और आपको 5 मिनट्स लगते हैं? यस मैम। ओके, तो आप तो बहुत लकी हो, आप तो अपनी डेस्टिनेशन के एकदम नजदीक हो, जल्दी से आ जाते हो। सो बच्चों, आप सबकी डेस्टिनेशन ये स्कूल है। आप सब डिफरेंट डायरेक्शन से आ रहे हो, तो अगर हमको कहीं पर भी जाना होता है तो हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ किसी भी डायरेक्शन से आए, लेकिन व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ वी रीच द डेस्टिनेशन। फॉर एग्जांपल, अगर हमें दिल्ली जाना है तो हम चंडीगढ़ से दिल्ली की रोड लेंगे। चंडीगढ़ टू दिल्ली की हाईवे इज़ कॉल्ड NH1। बट इफ़ यू आर लिविंग इन जयपुर, तो जयपुर से अगर आप दिल्ली जाना हो तो आप NH1 से नहीं जाएंगे। सिमिलरली, अगर आप गाज़ियाबाद रहते हो या आप नोएडा रहते हो तो आपको दिल्ली जाने के लिए उधर से रोड लेनी पड़ेगी। सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ द डेस्टिनेशन, एंड अलॉन्ग विद दैट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट यू इन्जॉय योर जर्नी। जैसे आप बस में आते हो या आप वॉक करके आते हो, तो आप रस्ते में अपनी जर्नी को, अपने टाइम को एंजॉय करो। आप रास्ते में ये सोच के नहीं आओ कि क्या प्रॉब्लम, कितना मुश्किल है, स्कूल जाना पड़ रहा है, ऐसे नहीं सोचना। अपनी जर्नी को एंजॉय करना है और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। आज आपका डेस्टिनेशन आपका स्कूल है, कल को आप बड़े हो जाएंगे, आप कहीं पर काम करेंगे, जॉब करेंगे, आपकी शादी हो जाएगी, तो डेस्टिनेशंस डिफरेंट हो जाती हैं ना। लेकिन जो भी डेस्टिनेशन होती है उसको अप्रोच करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, और हमें हर डेस्टिनेशन के हिसाब से अपना रास्ता ढूंढना पड़ता है। सो बेटा, आई वॉन्ट टू टेल यू कि जैसे डेस्टिनेशन होती है ऐसे ही हमारी ह्यूमन लाइफ का एक पर्पज़ होता है, और वो पर्पज़ होता है कि हमको एक दिन भगवान के अंदर समाना है। लेकिन भगवान तक पहुँचने के लिए भी बहुत डिफरेंट डायरेक्शंस हैं। कुछ लोगों को भक्ति मार्ग अच्छा लगता है, कुछ लोगों को लगता है कि हम समाज सेवा करें, कुछ लोगों को लगता है कि हम, जैसे एक डॉक्टर है उसको लगता है कि माय वर्क इज़ माय वर्शिप। कोविड में देखो जो डॉक्टर्स और नर्सेज हैं, उन्होंने शायद 2-3 घंटे सोकर ही बाकी सारा टाइम काम किया, तो वही उनकी पूजा है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। हम लोग सेम डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं लेकिन रास्ते अलग अलग हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपको मेरा नाम पता है? तो आप मेरे को संजय टंडन के नाम से जानते हैं, लेकिन मेरी वाइफ ये मेरे को संजय टंडन तो नहीं कहती, तो ये तो मेरे को संजय के नाम से बुलाते हैं। मेरी जो मदर हैं बेटा कहेंगे, मेरा बेटा है जो वो मेरे को पापा कह के बुलाता है,
कईयों के घर में वो पिताजी कहते हैं, कईयों के घर में फादर कहते हैं, सो अलग अलग नाम होते हैं। मेरी पोती है वो मेरे को दादा कह के बुलाती है। तो व्यक्ति तो सेम है लेकिन उसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। आप इसी तरीके से देखें, भगवान तो एक है लेकिन जैसे हम अलग अलग नाम से एक व्यक्ति को बुलाते हैं, इसी तरीके से हम अपने अपने ढंग से भगवान को बुलाते हैं। जैसे प्रिया ने बताया रास्ता अलग अलग है, मैंने आपको बताया नाम अलग अलग है। तो बेटा बताओ कि कौन सा नाम ठीक है भगवान का? राम। और किस नाम से आप भगवान को बुलाते हैं? सर गुरु नानक देव जी। अच्छा, सर जीसस क्राइस्ट। सर महात्मा बुद्ध जी, कृष्ण जी, श्री राम, श्री परमात्मा। देखो बच्चों, आप सबने भगवान को अपने अपने ढंग से नाम दिया। भगवान तो एक ही है लेकिन आप उनको अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे ऑल आर वन। इसी तरीके से रास्ते अलग अलग हैं लेकिन डेस्टिनेशन सेम है, नाम अलग अलग हैं लेकिन भगवान सेम है, पाने का तरीका अलग अलग है लेकिन जिसको पाना चाहते हैं वो सेम है। भगवान रहते कहाँ हैं मालूम है आपको? हाँ बेटा, सोल, आत्मा में रहते। हाँ, भगवान सबके अंदर है। हम सबके अंदर जो आत्मा होती है ना, वो परम आत्मा का एक छोटा सा रूप होती है। सभी के अंदर भगवान होते हैं और हमको इसलिए हर किसी को इक्वली रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमें कभी किसी के रिलीजन को बड़ा या छोटा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि नाम कोई भी हो भगवान तो एक ही है। दोस्तों कई बार हम देखते हैं कि धर्म के नाम पे एक दूसरे के साथ लोग झगड़ा करते हैं और प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि मेरा भगवान दूसरे के भगवान से बड़ा है। हमने आपके सामने रखा है कि अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, अलग अलग वर्शिप करने के तरीके हो सकते हैं, अलग अलग नाम से हम भगवान को पुकार सकते हैं, लेकिन भगवान एक है। अगर आप सब लोग भी इस विषय के बारे में थोड़ा सा सोचें और अपने मन के अंदर सब धर्मों के प्रति एक प्यार को पैदा कर सकें तो सनरेज की टीम को लगेगा कि हमारा ये प्रयास सफल हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद।